भाई। और जिस तरीके से दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, उसी तरीके से उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि बिहार से जितनी बुराइयाँ हैं, खास तौर पर सामाजिक तौर पर जो कुरीतियाँ हम लोग देखते हैं, जातिवादी व्यवस्था के रूप में जो एक रावण हमारे प्रदेश की विकास को, हमारे प्रदेश के आगे बढ़ने की गति को जो रोक रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इन तमाम बुराइयों का अंत होगा। अपराध जिस तरीके से चरम सीमा पर बढ़ रहा है, उसका अंत होगा और बिहार में आने वाले दिनों में यकीनन विकास के लिए, तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए बिहार में जलेंगे, ये कामना कर। चिरान जी, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया, कहा है बीजेपी की 5 राज्यों में हार। भाई देखिए, दावे यकीन है ना, वो क्या कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे ना कि बीजेपी वहाँ से जीतेगी। विपक्ष में है, दावे हर कोई करेगा, पर अंतोगत्वा जनता किसका साथ देती है। यकीनन कई राज्यों में परिस्थितियाँ दोनों के पक्ष में जिस तरीके से सर्वे दिखा रहे हैं, दोनों को, भले वो विपक्षी दलों का गठबंधन हो या NDA हो, उसको दोनों को कहीं ना कहीं टक्कर की लड़ाई बराबरी पे दिखाया जा रहा है। पर मेरा विश्वास है कि इन तमाम राज्यों में, 5 राज्यों में जहाँ पर भी चुनाव हो, वहाँ पे NDA की भारी मतों से जीत। INDI गठबंधन में इन दिनों कुछ सब कुछ